क्या आप जानते हैं सनातन धर्म में आपको आचार्य फिर जो है जगत गुरु की उपाधि धारण करने के लिए ब्रह्मसूत्र में भाष्य, भगवत गीता में भाष्य और उपनिषदों में आपको भाष्य जो है करना आवश्यक है, तभी आप जो है आचार्य फिर जो है जगत गुरु की उपाधि धारण कर पाएंगे। अभी वर्तमान में जो चार शंकराचार्य हैं और रामभद्राचार्य भी जो है जगत गुरु कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है सर्वप्रथम जो है आदि शंकराचार्य, शंकराचार्य ये जो नाम आपने सुना ही होगा, ये आपको ये नाम जो है आपके लिए कोई नया तो नहीं होगा, क्योंकि सनातन धर्म में जो शंकराचार्य का महत्व वैसा ही है जैसे कि जो है क्रिश्चियनिटी में पोप लोगों का होता है, जैसे कि उलेमा वर्ग का मुस्लिम धर्म में होता है और जैसे कि दलाई लामा का जो है बौद्ध धर्म में रखा गया है। इसी प्रकार से जगतगुरु आदि शंकराचार्य के जो है चार मठों की स्थापना से लेकर सनातन धर्म के भाग्य विधाता से लेकर उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत प्रतिपादन किया और अपनी दिग्विजय यात्रा की, जिसको जो है शंकर दिग्विजय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से सनातन धर्म को जो है बचाने वाले जो है आदि शंकराचार्य के नाम पर ही जो है चार मठों का निर्माण किया गया और उनमें आज भी जो है चार शंकराचार्य जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सनातन धर्म को जो है संभाले हुए हैं। आपने सुना ही होगा कि अभी जो चारों में शंकराचार्य हैं उन्होंने जो है श्रीराम जन्मभूमि में जो है श्रीराम मंदिर की स्थापना हुआ 22 जनवरी 2024 को, उसमें उन्होंने जाने से मना कर दिया गया। इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ क्योंकि शंकराचार्य को जो है सबसे प्रमुख माना जाता है सनातन धर्म में, वो जो है हमारे धर्मध्वज रक्षक हैं, हमारे सनातन धर्म के प्रमुखता में से जो है प्रमुख ऋषियों में से प्रमुख। विवाद हुआ था कि राम मंदिर में उन्होंने वो क्यों नहीं गए, उन्हें ये तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि भी राम मंदिर की जो है पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, उसका जो शीर्ष भाग नहीं बना है। इसके अलावा वो जो कहते हैं कि अभी जो है अभी हाल ही में जो बात हुआ है अभी जो प्रसादम को लेके तिरुपति बालाजी में जो है गौ मांस या फिर जो है कोई भी मांस वगैरह को जो है मिला के प्रसाद दिया गया है जिसमें जो है धर्म भ्रष्ट हो चुका है, इसका उपाय बताते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि पंचगव्य का पान करते हुए हम जो है गौ हत्या के पाप से और इस प्रकार से बड़े बड़े अपराधों से मुक्त होते हैं, इस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं धर्म भ्रष्ट करने से। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जब तक गौ माता को राष्ट्रीय पशु हमारी राष्ट्रीय माता ना घोषित कर दिया तब तक हम जो है श्री राम मंदिर में कदम नहीं रखेंगे, वहाँ पे जो है अपने जो है पग नहीं पगारेंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शंकराचार्य जी ने तो ये जो है बात रख दी है सरकार के सामने कहें फिर मोदी जी के सामने कहें, उनको कहा भी जा रहा है कि वो जो है मोदी विरोधी है बीजेपी विरोधी है। बाकी ये सब चीज़ें तो राजनीति की अलग चीज़ है, हम बात करते हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य की। जगत गुरु आदि शंकराचार्य इनका जो है जन्म होता है 788 ईस्वी में। गुरु आदि शंकराचार्य का बचपन का नाम शंकर रखा गया था, इनका जन्म होता है केरल में जहाँ पे जो है 788 ईस्वी में जो है इनका जन्म होता है और ये अष्टवर्षीय चतुर्वेदी बन जाते हैं, अर्थात ये जो है 8 वर्ष की उम्र में ही मात्र जो है चारों वेदों में पारंगत हो जाते हैं और इन्होंने जो है अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत दिया था, जहाँ संस्कृत के जो है विद्वान इन्होंने जो है उपनिषद के विख्याता हिंदू धर्म के जो प्रचारक और हिंदू धर्म जो है धर्मध्वज रक्षक इन्हें माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है नागा साधुओं की ऐसी जो है एक फौज तैयार की या फिर जो कहे ऐसी सेना का निर्माण किया जो कि आज भी जो है व्याप्त है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, जो कि दिखाई नहीं पड़ते आपको लेकिन आप कुंभ के अवसर पर जाएंगे कहीं भी, जब भी कुंभ मेले का आयोजन होगा तब वो जो भीड़ देखने को मिलेगी तब आपको पता चलेगा कि शंकराचार्य जी ने क्या अपने जो है पीछे जो है धर्म रक्षकों जो है सेना को छोड़ के गए हैं। इस प्रकार से सनातन धर्म में जो है उन्होंने जो है गीता का भाष्य किया, उपनिषदों का भाष्य किया और ब्रह्मसूत्र का भाष्य करते हुए उन्हें जो है हम आदि शंकराचार्य हैं सबसे पहले द फर्स्ट शंकराचार्य के नाम से जगत गुरु आदि शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो है पूरे जो है 12 ज्योतिर्लिंगों की जो है यात्रा की, भारत में जो है दिग्विजय यात्रा की जहाँ शास्त्रार्थ किए, बड़े से बड़े जो है लोगों से विद्वानों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या अर्थात जो है ब्रह्म केवल एक ही है अर्थात अद्वैत है, केवल एक ही तत्व जो है परम तत्व है उसको जो है उस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया और इस प्रकार से उन्होंने जो है हमारे सनातन धर्म में जो 6 दर्शन है उसमें से जो है एक प्रमुख जो बनता है वेदांत दर्शन, जिसको आगे चल के विवेकानंद जी द्वारा विशिष्ट अद्वैत और इस प्रकार से कई सारे जो है अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को जो है और सारे भाष्य करते हुए प्रतिपादन किया गया। लेकिन जगत गुरु आदि शंकराचार्य पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है अद्वैत का सिद्धांत दिया और इसको जो है उन्होंने जो है वार्तालाप के द्वारा वहाँ पे जो है आप भाषणों के द्वारा कहें या जो है पूरे भारत भर में जो है बड़ी बड़ी स्थानों पे बड़े बड़े तीर्थों पे जाके उन्होंने मंदिरों में जाके शास्त्रार्थ के द्वारा सभी जो है दिग्विजय शास्त्रार्थियों को पराजित किया, जिसमें से एक जो है मंडन मिश्र जो है प्रख्यात जो है इनका जो है डिबेट उनके साथ हुआ था इसमें शास्त्रार्थ जो है सबसे प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो उभय भारती माता जी उनकी पत्नी थी मंदन मिश्र की, तो उनके साथ उनका विवाद होता है, विवाद नहीं कहना चाहिए उसको, शास्त्रार्थ होता है जहाँ पे जो है शंकराचार्य जी जो है अपना अद्वैत का सिद्धांत जो है प्रतिपादन करते हैं और अपना दिग्विजय यात्रा जो है आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर भी वो विजय श्री को प्राप्त करते हैं। अर्थात वहाँ पर शंकराचार्य जी केवल जो इतने छोटे कम उम्र के थे कि वो लोग उनको देख के जो हैरान हो गए थे कि ये जो है कैसे शास्त्रार्थ करने बालक आ चुका है। और उनकी जो है यात्रा केरल से शुरुआत होकर केदारनाथ में जाके समाप्त होती है जहाँ पर अभी भी जो है आदि शंकराचार्य जी का मूर्ति स्थापित है केदारनाथ में, आप जाके देख सकते हैं।
तो ये तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य के जो है जीवन परिचय थे, उनके जो है दिग्विजय अभियानों की चर्चा थी। अब आइए जानते हैं सनातन धर्म में, सनातन धर्म के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य को जो है धर्म विधाता क्यों कहते हैं, सनातन धर्म के धर्म ध्वज रक्षक क्यों कहते हैं, और उनके लिए इतना सम्मान क्यों रखते हैं सनातनी अपने मन में, और शंकराचार्य का जो पद है आज वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, और किस प्रकार से चार मठों का निर्माण किया गया। तो सनातन धर्म का जो है दिग्विजय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए शास्त्रार्थ करते हुए जगत गुरु आदि शंकराचार्य भारत के जो है पूरा भारत का भ्रमण करते हैं। वो इस प्रकार से वो देखते हैं कि विभिन्नताएं हैं और कई प्रकार से मान्यता सनातन धर्म में व्याप्त है। जैसे कि आप जानते हैं कि शैव परंपरा है, शाक्त परंपरा है, वैष्णव पंथ है, गणेश जी को उपासक अलग है, इस प्रकार तांत्रिक पद्धति को उपासक अलग है। तो इस प्रकार सनातन धर्म को जो टूटता हुआ देख के जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने पंचदेव का सिद्धांत दिया, जहाँ पर उन्होंने जो है शाक्त परंपरा से माता रानी दुर्गा जी का जो है उन्होंने जो है प्रमुखता दी, इस प्रकार से जो सूर्य भगवान को प्रमुखता दी, श्री गणेश को प्रमुखता दी, और वैष्णव पंथ श्री हरि विष्णु जी को, नारायण जी को, और वहीं शैव पंथ महादेव जी को, अर्थात ये पंचदेवों को जो है प्रमुखता देते हुए उन्होंने जो है सनातन धर्म में जो है एकजुटता लाई, और जिस प्रकार सनातन धर्म बिखर रहा था, अलग अलग हो रहा था, सनातन धर्म टूट रहा था, उसको उन्होंने एक किया, फिर से एक साथ मिलाया। जगत गुरु आदि शंकराचार्य के भाष्य से पता चलता है कि उन्होंने जो है बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे, जिनको हम अलग मानते हैं, सुबोध बुद्ध और गौतम बुद्ध को अलग अलग मानते हैं, उन्होंने उनका भी जो है विवरण अपने भाष्य में किया, और उनके बारे में टिप्पणी करते वो लिखते हैं कि जो बुद्ध जो कि अनात्म के जो सिद्धांत को मानते हैं, उनको भी जो उन्होंने विष्णु का अवतार माना, और ये उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि तब सनातनी और बौद्ध धर्म वाले जो अलग अलग ना हो और एकता का बंधन अखंड भारत में बंधा रहे। इसी प्रकार से जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य का ये विचार था कि संस्कृत भाषा को उन्होंने महत्व दिया, जो कि प्राचीन भारत प्रमुख भाषा था, इसी ने जो है पूरे भारत को बांध के रखा था, और इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने चारों वेद को अलग अलग दिशाओं में स्थापित किया, जिससे अखंड भारत का जो है स्थापना जो है बना रहे, अखंड भारत जुड़ा रहे, और चारों दिशाओं में आपको जानने वेद का शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको चारों मठों में जाना पड़ता था, और चारों दिशाओं में जाके आपको भारत भ्रमण करना ही पड़ता, जिससे जो है आपको एकत्व की भावना, भारत में एकता की भावना आती थी। जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठों में से है ज्योतिर्मठ, शारदा मठ, श्रृंगेरी मठ और गोवर्धन मठ, जहाँ पे जो है चारों मठों में जो है चार अलग अलग शंकराचार्य जो स्थापित होते हैं। और शंकराचार्य बनने के लिए आपको जो है कई सारी जो है योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि पीठाधीश्वर भी जो शंकराचार्य है उनमें जो है नियुक्ति करने जरूरी इसीलिए है क्योंकि वो जो है हमारे सनातन धर्म को जो है नया मार्ग दिखाते हैं, सदैव जो है समय समय पर जो है योगदान देते रहते हैं अपने जो है ज्ञान से, अपने बुद्धि विवेक से। शंकराचार्य बनने के लिए आवश्यक चीज़ों में से वो है कि जो ब्रह्मचारी हो, डंडी साथ में रखता हो, सन्यासी हो जिसको संस्कृत आता हो, चतुर्वेदी हो, अर्थात जो चतुर्वेदी हम बोलते हैं कोई सरनेम नहीं है, ये चतुर्वेदी का अर्थ होता है जो चारों वेद का ज्ञाता हो, वेदांत और पुराणों का ज्ञाता हो, अर्थात आप सनातन धर्म के उपनिषद है, पुराण है, सभी चीज़ को आप ज्ञात करके रखें, जिससे जो है आप शंकराचार्य की उपाधि आप प्राप्त कर सकते हैं और आजीवन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। शंकराचार्य के चारों मठ जो है 8वीं शताब्दी से ही जो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, जहाँ पे जो है वो जो है अपने सबसे योग्य शिष्य को अगला शंकराचार्य नियुक्त करते हैं, जो कि अपने स्वार्थ को नकारते हुए देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में और धर्म की सेवा में अपने आप को जो है पूरा समर्पित कर दे। जहाँ पर उत्तरायण में आपका जो है ज्योतिर्मठ देखने को मिलता है, वही जो है आपका पूर्वी में जो है गोवर्धन मठ है, पूरी में स्थित है, और जहाँ दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है, और शारदा मठ भी जो है आपका पश्चिम में है। अभी अगर हम वर्तमान समय के भारत में जो चार शंकराचार्य जो स्थापित हैं, स्थित हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं, तो आपके जो है पुरी में जो है आपके जो है जगत गुरु आदि शंकराचार्य के पद पर जो है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी जो है स्थापित है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएँ होती रहती हैं, जो कि 145वें शंकराचार्य हैं। तो इसके अलावा जो है अगले शंकराचार्य जो है अभी मुक्तेश्वरानंद ज्योतिर्मठ में जो है 46वें शंकराचार्य हैं। इसके अलावा जो अगले जो है द्वारिका शारदा पीठ पे जो स्थापित है शंकराचार्य, उनका नाम है सदानंद सरस्वती जी। इसके अलावा जो अगले हमारे चौथे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य भारती तीर्थ जिन्हें कहा जाता है, वो हमारे श्रृंगेरी शारदा पीठ में जो है 36वें शंकराचार्य हैं। इसी प्रकार से जो है तो ये चारों जो है अभी वर्तमान में जो है शंकराचार्य की उपाधि धारण की हुए सनातन धर्म में, जहाँ पे जो है आपके जो है कई सारे विवादों में जो शंकराचार्य हमेशा पड़े ही रहते हैं, इनकी बात होती रहती है, जहाँ पे जो है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी दयासनानंद सरस्वती जी और भारती तीर्थ जी, ये चारों के चारों ने जो है राम मंदिर के उद्घाटन में कहें फिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जो अपने इसके निजी कारण बताया था और उन्होंने कहा था कि ये संपन्नतापूर्वक जो है ये उद्घाटन या फिर जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अभी जो है आपके अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो है गौ माता को जब तक राष्ट्रीय जो है पशु या माता जी घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक हम जो है कदम नहीं रखेंगे राम मंदिर में। तो इस प्रकार से जो है गोवर्धन मठ
ज्योतिर्मठ, शारदा मठ, श्रृंगेरी मठ, चार धाम, जो चार चार धाम की तरह चार मठ बने हुए हैं, जहाँ पे चारों वेदों को प्रतिनिधित्व करने वाले चार शंकराचार्य स्थापित रहते हैं। और ये गुरु शिष्य परंपरा की जो तरह जो है आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाते हैं गुरु शिष्य परंपरा के तौर पर, क्योंकि सनातन धर्म जो है जन्म नहीं कर्म पर आधारित था, यह हमेशा से सनातन धर्म चला आ रहा था। इस प्रकार से जो है जगत गुरु आदि शंकराचार्य को जो है कई प्रकार के योगदानों के लिए हम उन्हें याद करते हैं, हम उन्हें जानते हैं। और शंकराचार्य का जो स्थान है सनातन धर्म इसीलिए बहुत ज़्यादा पवित्र है। आइए शंकराचार्य जी के जो है गुरु के बारे में जानते हैं। शंकराचार्य जी के जो गुरु जे थे वो गोविंदनाथ या फिर गुरु गोविंद पाद जी कहा जाता है स्वामी जी, वो जो है उनके जो है वैष्णव संत जो है उनके गुरु थे। शंकराचार्य जी को शिवावतार, शंकरा योगी, आदि गुरु, श्रीमद जगत गुरु, धर्म चक्र प्रवर्तक, यति चक्र, चूड़ामणि, धर्म सम्राट, भगवान, इस प्रकार से जो है वो जो है अद्वैत का पालन करते, अर्थात वो कहते थे कि जो है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात जो है ब्रह्म है वही स्थिर है, सत्य है, बाकी जगत जो है वो क्षणभंगुर है, नष्ट होता रहता है, बनता रहता है। इसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि और प्रज्ञान ब्रह्म तत्वमसि, इस प्रकार जो है तथ्यों को जो है बात शब्दावलियाँ हैं, लेकिन इसके अर्थ बहुत बड़े बड़े हैं, जिसको जो है आप जो है बड़े बड़े गणितज्ञ तक इसको डिकोड नहीं कर सकते। तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य अपने समय से बहुत आगे थे, इनको शिवावतार कहा जाता है, इसीलिए इनको जो है हम जो है आदि शंकराचार्य शिव जी के अवतार के रूप में जानते हैं। तो ये तो है सनातन धर्म के धर्मध्वज रक्षक के फिर जो है कहें भाग्य विधाता हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बारे में एक छोटा सा वीडियो हमारी ओर से। बाकी कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो तो आप हमें क्षमा कीजिएगा, हमारा भी मार्गदर्शन अवश्य कीजिएगा कमेंट्स में कुछ बता के ज्ञान देते हुए। और बाकी आगे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करते हुए धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए और आपका बहुत समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जय श्री राम। हर हर महादेव।